हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो यार, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं आयरन गोलम फार्म माइनक्राफ्ट, जो 1.19 के लिए इजी है। तो सबसे पहले आपको 7 ब्लॉक्स अप आ जाना है और बिल्कुल मिड ब्लॉक के आसपास इस तरह से ना दो ब्लॉक आगे कर देना, और जब इस तरह से प्लस का साइन बन जाए तो हर जगह पर ब्लॉक्स भर देना, जिस तरह से मैं भर रहा हूँ। और इस साइड पर भी मतलब पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा। अबे यार, यहाँ इंशन ब्लॉक क्यों लग रहे हैं? चलो अब यहाँ साइडों में हमें ग्लास लगा लेंगे। ये मैंने हर जगह पे ब्लॉक्स लगा लिए हैं। अब आपको ग्लासेस के ऊपर फ्लैचिंग टेबल लगाने ना, या कोई सा भी जॉब ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये फ्लैचिंग टेबल यूज़ करना तो ज़्यादा अच्छा है। और ये बहुत ज़्यादा ईजी आयरन फार्म, इसमें कोई ज़ॉम्बी वगैरह नहीं चाहिए और ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं। और ये 1.19 में बेड रॉक एडिशन जावा हर जगह चलेगा। बस आपको इसके अंदर 20 विलेजर्स को डाल देना है और वापस इसको ऊपर से पूरा कवर कर देना है ये एरिया। जब वो एरिया कवर कर दो ना, तो फिर ऊपर किसी भी पैटर्न से आप लोग बेड्स लगा लेना। बस 20 बेड्स होने चाहिए। तो मैंने इस तरह से लगा लिया, आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरह लगाने लगा दो, आप लोगों की मर्ज़ी। आपको अगर कुछ क्रिएटिव करना है तो कर लो, मैं तो सिंपल ज़्यादा से लग रहे थे बस लगा दिए मैंने। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और जो एरिया बची है ना वहाँ पे आप लीव्स लगा दो, ताकि यहाँ पे आयरन गोलम वगैरह स्पॉन ना हो, वरना हमारा फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो वैसे इस तरह से लीव्स लगा दी मैंने। अब हमें क्या करना है, दोबारा से अपने ब्लॉक्स लेके 1 ब्लॉक ऊपर वापस से आ जाना है। अब नीचे वाला ब्लॉक तोड़ देता हूँ। अब वापस से हमें ना पूरा कवर कर लेना है इस एरिया को। ये देखो, अभी से आयरन गोलम ये पैदा होने शुरू हो गए हैं, बहुत तेज़ काम करता है ये। देखो अभी मैं लगा ही रहा हूँ और दूसरा भी आयरन गोलम स्पॉन हो गया। ये बहुत तेज़ काम करता है। मैंने छोटी सी गलती कर दी थी, मैंने ना साइडों पे लगा दी थी। साइडों पे नहीं लगाना, एक ब्लॉक छोड़ के बीच में ब्लॉक्स लगाने हैं और साइडों पे ये वॉल्स आएंगी। ये हमें सारी साइड्स पे इस तरह से वॉल्स लगा लेनी है, तो ताकि हमारा वाटर का जो फ्लो है वो एक ही जगह पर रहे, बाहर ना जाए। और मैंने जो दो आयरन गोलम स्पॉन हुए थे उनको नीचे गिरा दिया मैंने, ताकि वो मेरी बिल्ड डिस्टर्ब ना करें। इस तरह से तीन साइड्स पे लगाना है। और यहाँ पे हमारे हॉपर्स और चेस्ट आएंगे, तो ये वाली जगह छोड़ देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अब बस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ब्लॉक नीचा के यहाँ पे चेस्ट लगा देता हूँ, और इसके ऊपर मैं अपना हॉपर आ जाएगा। और तीन हॉपर मुझे इसके साइड में भी लगाना है, मतलब टोटल तीन हॉपर होंगे ये, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये तीन हॉपर भी मैंने लगा दिए हैं, और अब बस यहाँ से भी मैं वॉल लगा के एरिया कवर कर दूँगा, ताकि पानी कहीं से भी बाहर ना जाए, ना समंदर ही अंदर रहे। और अब मैं वॉल लेता हूँ वापस, अब बीच वाले हॉपर के बिल्कुल ऊपर लगा देता हूँ। एक ब्लॉक छोड़ के दूसरे पे लगाना है, और इसकी चारों साइड पर हमें इस तरह से साइन बोर्ड लगा देना है। ये थर्ड साइड पर भी लगा दिया मैंने, और अब चौथी साइड पर भी लगा देता हूँ। यहाँ से इस तरह लग गया, अब हमें दोबारा से इसके ऊपर लगाना है। ये गलत लग गया, थोड़ा सीधा करके लगाना है, लेकिन इस तरह से दोबारा चारों साइड्स पे। ये मैंने चारों साइड्स पे लगा दिया, मैं बिल्कुल इसके बीच में लावा डाल दूंगा। और अब बस हमारा काम हो गया, बस इस कोने में और इस कोने में हमने पानी डाल देना है बस। अब हमारा आयरन गोलम फार्म बिल्कुल रेडी हो गया है, और अब ये बहुत ज़्यादा तेज़ काम करते हैं। और अब देखो, बस थोड़ी देर में इसमें आयरन गोलम स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अभी फ़ौरन से। ये देखो, ये पहला आयरन गोलम तो स्पॉन हो गया अभी फ़ौरन ही हूँ। और ये देखो, ये इस तरह से आके लावा में आके मर जाएगा, और ये जो भी लूट ड्रॉप करेगा ना, वो हमें नीचे चेस्ट में आके मिल जाएगी। तो इसको मरने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि नीचे पानी भी है, ऊपर लावा दोनों जगह से हो रहा है। तो बस यहाँ पे देखो, हमें आयरन मिल गया। बिल्लियाँ शिल्लियाँ भी यहाँ स्पॉन हो रही हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब मैं मिलूँगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।